सरकार ने बच्चों के स्कूल को मैडम बंद किया है क्योंकि बच्चों को ठंड लग जाएगी। सरकार ने सही किया है गलत किया है? सही किया है। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं गलत किया है, स्कूल नहीं बंद होने चाहिए, लेकिन डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बच्चे इस ठंड को झेल नहीं पाते हैं, स्कूल बंद हो जाना चाहिए। क्या सही किया गलत किया? एक सब ठंड लग रहा है तो बंद कर देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हम लोग के टाइम में भी बंद होता ही था। आप लोग के टाइम में बंद होता था? सर मेरे अनुसार ये सटीक नहीं है, क्योंकि टाइम में बदलाव कुछ कर देते, क्योंकि 2 ही घंटा क्लास चलता है पर बच्चों का रेगुलर क्लास रहता, क्योंकि अभी फाइनल टर्म है सर, अभी फाइनल एग्जाम है, बच्चे अचानक से स्कूल खुलेंगे फाइनल एग्जाम होने लगेगा, तो जब बच्चे का सिलेबस पूरा होगा ही नहीं तो बच्चे एग्जाम क्या देंगे, क्या लिखेंगे। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना में फिर से ठंड बढ़ गई है, कल थोड़ी सी धूप खिली थी लेकिन आज फिर देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको गाड़ियों का हेडलाइट जल रहा है, तमाम लोग गाड़ियों का हेडलाइट जला के चल रहे हैं और ये पूरा हम ऊपर दिखाते हैं। देखिए कुहासा अभी भी है, कुछ छट रहा है धीरे धीरे, कुहासा अभी भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ठंड किसी से पूछ कर आती है? शायद नहीं। के पाठक शिक्षा विभाग के अवर सचिव हैं और कल जैसे ही उन्होंने परसों शाम को अपना पदभार संभाला फिर से, और कल उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया तमाम जो हैं जो आयुक्त हैं उनको कि भाई बिना शिक्षा विभाग से पूछे आपने छुट्टी कैसे दे दी स्कूलों की, इस पर उन्होंने उनसे सफाई मांगी है। अब आप ये बताइए क्या ठंड जो है वो किसी से पूछ के आती है, वो पाठक से के पाठक से क्या पूछ के आएगी, या ये प्रकृति का नियम है ठंड को आना ही है? सबसे बड़ी बात है कि के पाठक आईएएस हैं, शिक्षा विभाग के जो हैं अवर सचिव हैं, डीएम जो है वो भी एक आईएएस है, वो भी जिले का मालिक है एक तरीके से। जिले में क्या परिस्थितियां बन रही हैं, ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, क्या आकस्मिक घटनाएं हो रही हैं, सब पर नज़र डीएम की रहती है और डीएम के पास एक ऐसा अधिकार है कि वो अपने व्यवहारिक जो उसके अधिकार हैं कि भाई ठंड ज़्यादा पड़ गई, कहीं रोड जाम हो गया या कहीं कुछ हो रहा है तो स्कूलों को बंद कर दिया जाए। आपने देखा होगा डीएम के ही आदेश से जब चुनाव होते हैं तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, बैंक बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन पाठक साहब का ये कहना कि बिना हमसे पूछे, यानी कि बिना शिक्षा विभाग से पूछे कैसे डीएम ने घोषणा कर दी है छुट्टियों की और उसे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन पाठक जी सबसे बड़ी बात है कि आप आईएएस हैं, आपके पास जो गाड़ी होगी उसमें भी हीटर चलता होगा, ठंड आपको नहीं लगती होगी लेकिन ठंड लगती है इन तमाम ऐसे लोगों को। देखिए एक दो लोग खड़े हैं, जरा हम उनसे पूछें। एक बात बताइए जी, बच्चे आपके पढ़ते हैं? हाँ छोटा बच्चा पढ़ता है। छोटा बच्चा पढ़ता है, स्कूल बंद कर दिया गया है क्या? बिल्कुल। ये सही है या गलत है इस ठंड में? ठंडा में तो सही है बच्चा सही के लिए। हाँ। लेकिन जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं वो कहते हैं कि बिना हमसे पूछे स्कूल काहे बंद किए? नहीं, ठंडा इतना गिर रहा है तो छोटा बच्चा के लिए है, बड़े के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा बच्चा के लिए एट तक बंद हुआ है वो अच्छा हुआ है। बंद हुआ तो अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ डीएम ने, तमाम जो बिहार के डीएम है उन्होंने जो घोषणा की वो अच्छा किया है। हाँ अच्छा किया है, क्योंकि बच्चे हाँ, तमाम बेतिया पर पश्चिम चंपारण का बच्चों कहीं हाँ, सब जगह के लिए हाँ, बच्चा सुबह में 5 बजे 7 बजे उठ करके जाता था हाँ, इतना कनकनी है हाँ, जब आदमी आम जनता जो जनरल आदमी जो है जवान आदमी है वो तो छूट जा रहा है, वो तो छोटा बच्चा है। एक महिला जरा इनसे भी पूछते हैं, घर में बच्चे हैं? जी है, मेरा खुद का बेटा है। कितना बड़ा है? 8 साल का है। 8 साल का, किस क्लास में पढ़ता है? वो स्टैंडर्ड 2 में पढ़ता है केंद्रीय विद्यालय में। जो विद्यालय बंद किए गए हैं जी। तो क्या डीएम ने सही किया है ना इस ठंड में ना गलत किया? कहना जग तो नहीं चाहिए पर सिनेमा हॉल खुला हुआ, मॉल खुला हुआ, मार्केट खुला हुआ, पार्क खुला हुआ है तो बच्चों को लेकर थोड़ा परेशानी तो होती है कि सुबह में भेजना रहता है, बट अभी फाइनल एग्जाम का समय आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी ठंड गिर रही है, आप उसमें सोचिए बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं, बच्चों को ज्यादा झेलना पड़ता है जैसा डॉक्टर भी कहते हैं। तो क्या ये जो डीएम ने निर्णय लिया है कि नहीं भाई स्कूल बंद कर दिए हैं ठंड में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे अनुसार ये सटीक नहीं है, क्योंकि टाइम में बदलाव कुछ कर देते, क्योंकि 2 ही घंटा क्लास चलता पर बच्चों का रेगुलर क्लास रहता, क्योंकि अभी फाइनल टर्म है सर, अभी फाइनल एग्जाम है, बच्चे अचानक से स्कूल खुलेंगे फाइनल एग्जाम होने लगेगा, तो जब बच्चे का सिलेबस पूरा होगा ही नहीं तो बच्चे एग्जाम क्या देंगे, क्या लिखेंगे। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये नज़ारा, ये पटना का बेली रोड है
और इसमें जो देखिए आप तमाम गाड़ियां ये धुंध हम दिखा रहे हैं। अभी तक मौसम जो है ये हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं पटना की। अच्छा, सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया ठंड के हिसाब से, आपके घर में भी बच्चे होंगे, सही किया गलत किया? सही किया। सही किया है? हाँ, ठंड। आपके घर में बच्चे हैं? हाँ, ठंड में तो भाई ठंड में बंद होना चाहिए। हाँ, लेकिन शिक्षा विभाग के सचिव कह रहे हैं कि नहीं, हमसे बिना पूछे कैसे डीएम बंद कर देते हैं, बच्चों को ठंड लगती है, डॉक्टर भी कहते हैं ये ठंड बच्चे झेल नहीं सकते हैं। सरकार ने सही किया गलत किया? ठंडा में तो भाई बंद करना चाहिए, ठंडा बंद करना चाहिए। हम कुछ और भी महिलाएं कुछ लोग हैं, जरा उनसे पूछते हैं, सरकार ने ठंड को देख के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए हैं, सही किया है गलत किया है? सही किया है। सही किया है। जी, लेकिन जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, शिक्षा के सचिव हैं, जो के पाठक, वो कल चार्ज लेते ही उन्होंने आयुक्तों से कहा कि भाई बिना हमसे ये इजाजत लिए आप स्कूल बंद कैसे कर सकते हैं। ये भी आईएएस है, डीएम भी आईएएस होता है, तो डीएम एक जो जिले का मालिक है, वहाँ की व्यवहारिक परिस्थितियाँ समझता है, तो डीएम ने सही किया है या गलत किया है? नहीं, जिसके भी ज़िंदगी मौत का सवाल जहाँ रहता है, तो जो भी इमरजेंसी में जो भी चीज़ें होता है, सिचुएशन होता है, वो स्टेप लेना चाहिए। हाँ, जो भी उनके प्रोसीजर होगा अपना इन्फॉर्म करें। एक बात बताइए, सही किया है सरकार ने? सही किया है, बच्चों को तो स्कूल अभी बंद करना। आपके घर में बच्चे हैं? जी जी, बच्चे हैं। हाँ, आपका नाम? नहीं, मेरा बच्चा, मेरा नाम सिद्धार्थ है। आपका सिद्धार्थ जी। चलिए, बच्चों का स्कूल बंद हो के सरकार ने बिल्कुल एक तरीके से सही किया। पूछते हैं यहाँ पे, मैडम मैडम, सरकार ने बच्चों के स्कूलों को बंद कर दिया है इतनी ठंड को देखते हो, क्योंकि बच्चे जो हैं बीमार पड़ रहे थे, सरकार ने सही किया है गलत किया? सही है। सही किया है? हाँ। सरकार ने सही किया है? हाँ, ठंड है ना। मैडम क्या कहना चाहेंगे, आपके भी बच्चे होंगे? हाँ। छोटे बच्चों के को का स्कूल बंद कर दिया गया है, सरकार ने बंद कर दिया है कि उनको ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बच्चे इस ठंड को नहीं झेल सकते, सरकार ने सही किया है गलत किया? सही किया है। हाँ। आपके बच्चा है? हाँ है। जाता है? हाँ जाता है। सही किया आपने? सही किया है। अभी तमाम लोगों का कहना है कि सरकार ने सही किया। जरा पूछते हैं, सरकार ने बच्चों के स्कूल को मैडम बंद किया है क्योंकि बच्चों को ठंड लग जाएगी, सरकार ने सही किया है गलत किया? सही किया है। सही किया है। हाँ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, गलत किया है, स्कूल नहीं बंद होने चाहिए, लेकिन डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बच्चे इस ठंड को झेल नहीं पाते हैं, स्कूल बंद हो जाना चाहिए। क्या सही किया गलत किया? एक सब ठंड लग रहा है तो बंद कर देना चाहिए बच्चों के, क्योंकि हम लोग के टाइम में भी बंद होता ही था। आप लोग के टाइम में बंद होता था? हाँ। क्या सही तक का बंद हुआ है? 9, 10, 11, 12 खुला हुआ, तो बंद किया तो सही किया? आप जिससे पढ़ती थी उससे भी बंद होता था? हाँ, सही होता था। हाँ, ठंड में तो बंद होना चाहिए ना कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी आई थिंक एक बार भी नहीं बंद हुआ है, तो थोड़ा सा बंद होना चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं? सब बड़े बड़े हैं, सब बड़े हैं, लेकिन बच्चों का स्कूल बंद होना चाहिए? बच्चों का स्कूल निश्चित तौर पर बंद होना चाहिए। पटना के इस इनकम टैक्स चौराहे से आपको दिखा रहे थे कि जो सरकार ने स्कूल बंद किया है वो एक तरीके से सही काम किया है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और इस ठंड को बच्चे जो हैं छोटे बच्चे नहीं झेल सकते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के अवर सचिव जो हैं, एक सीनियर आईएएस हैं, और उन्होंने कल तमाम बिहार के आयुक्तों को पत्र लिख के कहा है कि भाई हमसे बिना पूछे, शिक्षा विभाग से बिना पूछे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप 144 जो कानून है उसका उपयोग करते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते शिक्षा विभाग में। लेकिन पाठक जी, ठंड जो है वो आपको कह के नहीं आती, जैसा मैंने पहले भी कहा, आज ठंड ज़्यादा है, कल थोड़ी कम होगी, फिर परसों ज़्यादा हो जाएगी, और मौसम विभाग ने जहाँ तक बिहार में चेतावनी दी है कि 24 तारीख तक इससे भी ज़्यादा जो है वो ठंड बढ़ेगी। अब देखना ये है कि ACS KK पाठक और आयुक्तों के बीच में टकराव जो ये शुरू हो गया है, क्योंकि ये क्या आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं है, DM के अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं है, इस पर तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई खबर आएगी। लेकिन ये जो बड़े IAS हैं, IPS अधिकारी हैं, ये जिस गाड़ियों से चलते हैं उनमें हीटर लगा होता है, और बच्चे जो हैं तमाम ऐसे ऑटो और बस से जो हैं स्कूल जाते हैं उन्हें ठंड लगती है, और इस तरीके ठंड में डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा बीमार होते हैं। मैं मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।